आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। राजस्थान कैडर के पूर्व आईएएस एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्रों की जवाबदेही सुनिश्चित हो। मेरा नाम सीपी व्यास है और मैं इंडियन ओशनिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 15 साल जो है मैंने आईएएस की सेवा दी है राजस्थान कैडर में, और तमाम ये दुनिया भर के जितने भी भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी, ये वो, इन सब चीज़ों पर मैं शुरू से काम कर रहा हूँ। सर, क्या कुछ ऐसा मन में था कि आप जो है राजनीति में आ गए एक आईएएस पद छोड़ के? देखिए, जितनी भी चीज़ें हैं सब पॉलिटिकल मोटिवेटिव हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स ही जो है वो मैन पावर है। हालांकि आईएएस आईपीएस के पास भी पावर होती है, लेकिन वो सारे गवर्न होते हैं, जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है उससे, या जहाँ पे भी मिनिस्टर्स हैं उनसे सारे गवर्न होते हैं वो। तो इसलिए जो मैन पावर है वो पॉलिटिकल पावर है, और उसमें आकर के ही, पावर में आकर के ही कुछ चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। सर, एक बड़ा चेहरा रहे हैं आप, तो सर आप पार्टी को लेकर के सर कहाँ, मतलब किन किन राज्यों में आपकी पार्टी एक्टिव है, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोग्राम रहे हैं? देखिए, अभी तक जो है हमने 19 राज्यों में अपना नेटवर्क बनाया हुआ है, और ऑल ओवर इंडिया मेरा जो 2019 लोकसभा इलेक्शन है वो टारगेटेड है पूरी तरह से, और उसमें हम अपने कम से कम 525 कैंडिडेट लड़ा रहे हैं, और उनमें से हम मेजोरिटी के लिए जिता करके भी लाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग। सर, क्या कुछ अलग अलग जैसे राज्य हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग समस्याएं हैं, क्या कुछ ऐसा बेसिक समस्याएं देखी ऐसा समाज में कि आपने पार्टी स्थापित करी? और देखिए, समस्याएं तो बहुत ढेर सारी ऐसी हैं कि जो देश स्वतंत्र नहीं हुआ तो उससे पहले से चली आ रही हैं। जैसे किसानों की समस्या, किसानों की समस्या अगर सरकार चाहे तो एक दिन में उसको हल किया जा सकता है, कि सिर्फ इसी बात से कि भाई उनको उचित समय पर फसल का उचित मूल्य मिल जाए। दूसरा ये जो उनकी फसल बर्बाद होती है उसका इंश्योरेंस हो, और जो सरकारें कर्ज माफ़ी की बात करती हैं ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। इसी तरह से बेरोज़गारी की जहाँ तक बात है, अभी इस सरकार में 91% सरकारी नौकरियों में जो है डाउनफॉल आया है। अभी मैंने पहले कॉन्फ्रेंस में भी बोला उसमें कि भाई ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया कि 69% इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे जो हैं वो नौकरी के लायक नहीं। तो इसकी लायबिलिटी किसकी है? जैसे मान लो रेल दुर्घटना होती है, रेलवे मंत्री उसकी जिम्मेदारी लेता है, तो शिक्षा मंत्री को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए क्या? तमाम कई हमारे पास बहुत ढेर सारे एजेंडे हैं इस तरह के, जिनको बिना किसी पॉलिसी, न्यू पॉलिसी बनाए हुए उस पर हम काम किया जा सकता है। सर, तमाम राजनीतिक पार्टियाँ हैं सर, उनसे भी सामना है, उनसे भी चुनौती है, सर कैसे, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, राजनीतिक बहुत ढेर सारी पार्टियाँ हैं हिंदुस्तान में, कम से कम 2000 से ज़्यादा पार्टियाँ रजिस्टर्ड होंगी इलेक्शन कमीशन में, लेकिन किसी के पास न तो एजेंडे हैं, और जो लोग अपना एजेंडा इस तरह का फिक्स करते हैं कि भाई हम बहुत ढेर सारे सब जवाब दिखा करके सरकार में आते हैं, तो हमने पहले इस पर भी बोला हुआ है कि भाई जो पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र हैं उनकी एक जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर पार्टियाँ 90% पावर में आने के बाद अपना एजेंडा कम्प्लीट नहीं करती हैं तो उनकी पार्टी की सदस्यता ख़त्म हो जानी चाहिए। सर, इसके अलावा अभी कांग्रेस का बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा जो राज्य में चुनाव हुए हैं विधानसभा, सर क्या कुछ ऐसा लगता है इससे? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बीजेपी नहीं आएगी तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस नहीं आएगी तो बीजेपी आएगी, बाकी और किसी पार्टी को वो सर्वाइव नहीं करने देते हैं। वो उनकी कोशिश यही रहती है कि वो अपने आप में मिला लें, चाहे बीजेपी वाले हों चाहे कांग्रेस वाले हों। अभी भी इस मौजूदा सरकार में 68 MP जो है वो कांग्रेस से आए हुए, जीत करके आए हुए बीजेपी से, जो पहले कांग्रेस में थे, और अब की बार ऐसे ही होगा। जैसे कांग्रेस का भी होल्ड बढ़ रहा है तो इसमें बीजेपी में 50-100 लोग निकल करके कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे तो वही जीत करके आ जाएंगे। तो आप इससे क्या, इससे तो यही है कि भाई सरकार तो दोनों की ही है। बिल्कुल सर, दौरा तो हमारा ऑल ओवर इंडिया लग रहा है और सब जगह हम प्रोग्राम कर रहे हैं, बाकी के अभी इस मंथ के बाद कंटिन्यू जो है डेली प्रोग्राम हमारा चलेगा ऑल ओवर इंडिया, कंटिन्यू डेली। बिल्कुल, आफ्टर दिस मंथ। ठीक है, देखिए, देश के विकास के लिए जो भी आदमी काम करना चाहेगा, देश के विकास के लिए, बेरोजगारी के ऊपर, किसानों के ऊपर, जो भी आदमी काम करना चाहेगा उसको हम अपने साथ जोड़ रहे हैं। राजनीति में जो बदलाव है, अभी तक 70 साल जैसे मानते हैं, अभी भाई नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को कहते हैं कि भाई 70 साल हो गए कांग्रेस ने लिए, उसमें अपने भी 3-4 साल जोड़ लेते हैं वो। इससे क्या है कि जो इनका एजेंडा है इस एजेंडे पे ये लोग कोई काम नहीं करे। विकास की बात जहाँ तक है, अपनी पार्टी सब जगह विकास की बात कर रही है, किसानों की बात कर रही है,
यूथ्स की बात कर रही है, उसके एजुकेशन की बात कर रही है, इन्हीं सभी चीज़ों पे हम काम करेंगे तो तभी देश का विकास होगा। सर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से पूरे देश की जनता को? देखिए, देश की जनता को हम एक ही संदेश देना चाहते हैं। अभी तक बहुत सारी पार्टियों को उन्होंने देखा है, तो उनके सामने एक नया ऑप्शन पैदा हो रहा है, इसको एक बार देखें।